गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने चैप्टर 6 पढ़ा था। क्या पढ़ा था? चैप्टर 6 पढ़ा था, जिसका क्या नेम है? जिसका नेम था एक साथ तीन सुख। एक साथ तीन सुख। आज हम क्या करेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस चैप्टर के क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो जिसका नेम था एक साथ तीन सुख। अब हम क्या करते हैं? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प पर क्या करना है? सही का निशान लगाना है। ओके, यात्री थे 4, 3, 5। यात्री कितने थे? कितने यात्री थे? 3। कितने थे? 3। यात्रियों को दिखाई दिया। यात्रियों को दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया था यात्रियों को? एक बम, एक रुपया, एक सिक्का। क्या दिखाई दिया था यात्रियों को? क्या दिखाई दिया था? एक सिक्का। क्या दिखाई दिया था? एक सिक्का। अंगूर थे, अंगूर थे कड़वे, मीठे, खट्टे। अंगूर कैसे थे? कैसे थे अंगूर? कड़वे थे, मीठे थे या खट्टे थे? कैसे थे? मीठे। कैसे थे अंगूर? अंगूर मीठे थे। यात्रियों की समस्या हल की महिला ने, बुड्ढे ने, पहलवान ने। किसने की थी? इस चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, किसने की थी यात्रियों की समस्या हल? महिला ने की थी, बूढ़े ने की थी या पहलवान ने की थी? किसने की थी? बूढ़े ने। किसने की? बूढ़े ने। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? यात्री थे 3। यात्रियों को दिखाई दिया एक सिक्का। यात्रियों को दिखाई दिया एक सिक्का। अंगूर थे मीठे। यात्रियों की समस्या हल की बूढ़े ने। किसने की? बूढ़े ने। तो इन क्वेश्चन आंसरों को आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। क्या करना है इनको? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। क्या करना है? अपनी नोटबुक में राइट करना और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके ओके बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। पाठ के आधार पर क्या करना है हमको? ये रिक्त स्थान भरने हैं। क्या करने हैं? रिक्त स्थान को भरना है। तो क्या ठीक है पर क्या? ठीक है पर क्या? खरीदें। वो यात्री क्या सोच रहे थे? वो सोच रहे थे ठीक है पर क्या? खरीदें। अगला क्या है? ठीक है पर कहीं? ठीक है पर कहीं? कहीं मीठी चीजें खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? ठीक है पर कहीं मीठी चीजें खरीदेंगे। ठीक है पर क्या खरीदें? ठीक है पर कहीं मीठी चीजें खरीदेंगे। पर मुझे तो बुझाने के लिए कुछ चाहिए। क्या बुझाने के लिए? प्यास। पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। एक यात्री ने क्या कहा था? एक यात्री ने कहा था पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। अगला क्या है? तीनों ने बूढ़े को बताई। तीनों ने बूढ़े को क्या बताई?
समस्या। तीनों ने बुड्ढे को क्या बताई थी? अपनी समस्या बताई थी। क्या बताई थी? अपनी समस्या बताई थी। अगला क्या है? कुछ खरीद लीजिए। कुछ अंगूर खरीद लीजिए। कुछ क्या खरीद लीजिए? कुछ अंगूर खरीद लीजिए। ठीक है, पर क्या खरीदें? तीनों ने क्या सोचा? तीनों यात्रियों ने सोचा था, ठीक है पर क्या खरीदे? ठीक है पर कई मीठी चीजें खरीदेंगे। ठीक है पर कई मीठी चीजें खरीदेंगे। तो एक यात्री ने क्या कहा था फिर? पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। मुझे तो क्या चाहिए? अपनी प्यास को बुझाने के लिए कुछ चाहिए। तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई। तो उस चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तीनों ने बूढ़े आदमी को क्या बताई? अपनी समस्या बताई। कुछ अंगूर खरीद लीजिए। तो बूढ़े ने उसको समस्या का हल क्या बताया था कि क्या खरीद लीजिए? कुछ अंगूर खरीद लीजिए। क्या खरीद लीजिए? कुछ अंगूर खरीद लीजिए। ओके, तो आज आपको क्या, अगला क्वेश्चन क्या है? उस बुजुर्ग ने हमारी बड़ी आसानी से हेल्प कर दी। उस बुजुर्ग ने हमारी बड़ी आसानी से हेल्प कर दी। क्या हेल्प की थी? समस्या। क्या हल की थी? समस्या। उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या बड़ी आसानी से क्या कर दी? हल कर दी। ओके, तो इन क्वेश्चन आंसर को आप क्या करोगे? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और इनको अच्छे से लर्न करोगे। क्या करोगे? इन दोनों क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और इनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू बच्चों।